नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्योति इलेक्ट्रिकल में। आज मैं आपको पीटी के वायरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पीटी क्या होती है और कैसे कनेक्ट किया जाता है और सर्किट में इसको क्यों लगाया जाता है। जैसे ये देखिए, हमारा एक 11 kV पे लगा हुआ पीटी के बारे में आज मैं बताऊंगा। देखिए, ये पीटी से हमने लिंक लगा रखा है जो ड्रॉइंग में दिखा रहे हैं। ये फिर हमने यहाँ एक फ्यूज लगा दिया जिसको HT फ्यूज बोलते हैं, जो बैरल टाइप का होता है, बेलनाकार आकार की होती है। तीनों फेसों पे हमने लगा दिया और इसके पीटी की बाइंडिंग को सप्लाई दे दिया। दूसरे सिरे को जो न्यूट्रल होता है उसको हमने तीनों को अर्थ कर दिया। ये हो गया। आप ये देखिए, ये लिख रहा है पीटी की वैल्यू लिख रही है 11 kV/√3, फिर बड़ा ऑब्लिक है, फिर 11 kV/√3। और अगर फेस टू फेस दिखे तो 11,000/110 V की पीटी है ये। अब इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग पे आते हैं। सेकेंडरी बाइंडिंग के एक एक सिरे को हम फेस के रूप में ले लेते हैं और बाकी बचे दो तीनों बाइंडिंग के एक एक सिरे को हम शॉर्ट करके और अर्थ कर देते हैं, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, और इसको स्टार पॉइंट भी कहते हैं। देखिए, हमने इसको वायरिंग में आपको स्टार दिखा रखा है। यह हमारी पीटी जो है वो ड्यूल कोर है। दूसरे कोर के बारे में बताऊंगा कि इसका NDR के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं अगले वीडियो में। तो अब हमने स्टार बना करके, देखिए स्टार पॉइंट को हमने इस 70 वायर नंबर डाल रखा है। फिर एक फेस की पीटी के वायर को हमने E10, दूसरे फेस की पीटी के वायर को E30 और तीसरे फेस के पीटी के वायर को E50। इन दो पीटीओ के फेस टू फेस वोल्टेज जो है 11 kV में 110 होता है, और अगर स्टार पॉइंट जो कि न्यूट्रल टू फेस अगर हम वोल्टेज लेंगे तो वो 63 V के आसपास होता है, 110/√3। अब मैं अगले पेज पे आपको बताने जा रहा हूं कि इसको वायरिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, हमने ले दिखाया, यहाँ पिछले पेज पे दिखाया था E10, E30, E50 और E70। इसके बाद हमने LT फ्यूज लगा लिए, जो छोटे वाले फ्यूज आते हैं हमारे उसको लगा लिए। देखिए LTFS लिख रखा है और न्यूट्रल पे हम लिंक लगाते हैं। और ये आप वायर देख रहे हैं, फ्यूज के बाद में हमारा वायर नंबर बदल गया। और इसके बाद हमने पीटी का, आप देखिए ये तीन हमने इंडिकेशन लाइटें लगा रखी है जो 63 V पे वर्क करती हैं, और इससे हमने तीनों पीटीओ के इंडिकेशन के लिए ले लिया। ये आप ड्राइंग में देख ही रहे हैं, ये आर फेस की पीटी, ये वाई की और ये बी फेस की पीटी आ गई, और इन तीनों में हमने न्यूट्रल दे दिया जो पीटी का स्टार पॉइंट है। इसके बाद ये देखिए, हमारे ये तीनों तार और ये चौथा न्यूट्रल का आ गया वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच। वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच वो होता है जो हमें वोल्टेज बताने के लिए अलग अलग फेसों पे रेगुलेटर टाइप का होता है। अगले वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। उसको घुमा करके फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज देख सकते हैं। ये जैसे देखिए VSS, इसका मतलब हुआ वोल्ट मीटर सिलेक्टर स्विच, और ये हुआ VM, VM का मतलब हुआ वोल्ट मीटर। फिर हमने देखिए यहाँ से पीटी के तीन वायरों को लेकर के और इसको ट्राई वेक्टर मीटर, जो एनर्जी मीटर होता है, उसके लिए कनेक्ट कर रखा है। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में मैं आपको NDR रिले के बारे में बताऊंगा कि पीटी के थ्रू NDR का कनेक्शन कैसे करते हैं और कैसे काम करता है NDR, जो हमारे तार वगैरह टूटने पे कैसे ब्रेकर को ट्रिप कमांड देता है। धन्यवाद साथियों।